हाय, वेलकम टू जी। ये 15 मिनटों के अंदर एक्टिवेट यानी सक्रिय हो जाएगा। जी में कॉल करने के लिए धन्यवाद। सो हेलो गाइस, कुछ दिनों से काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पर आ रहे हैं VI सिम को लेकर। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम VI सिम को खुद से कैसे एक्टिवेशन कर सकती है और एक्टिवेशन होने के बाद VI सिम को कैसे वेरीफाई करना है। उसके बाद हम जानेंगे VI सिम का इंटरनेट स्पीड कैसा है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। तो आइए शुरू करती है। गाइस, आपको ऑलरेडी पता है कि VI सिम कैसे लॉन्च हुआ है। जैसे कि आपको पता है V फॉर वोडाफोन और I फॉर आइडिया। तो कुछ दिन पहले यानी अब तक आपको मार्केट में मिल जाएगा वोडाफोन का सिम और आइडिया का सिम, लेकिन धीरे धीरे वो सिम क्लोज हो जाएगा यानी स्टोर पर नहीं मिलेगा आपको, और आपको मिलेगा VICI यानी आप होगा VI सिम। आपको यहाँ से एक सिम ओपन करके बता देते हो कैसा है लुक बड़ा हो VI सिम का। तो गाइस, आपको अब से आप आइडिया सिम के लिए आप स्टोर पे जाओगे तो आपको VI सिम प्रोवाइड करेगा। आप वोडाफोन सिम के लिए स्टोर पे जाते हैं तो फिर भी आपको VI सिम ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आइडिया और वोडाफोन मिल के ही VI सिम हुआ है। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे VI सिम आप खुद से एक्टिवेट कर सकती है और उसके बाद वेरीफाई कैसे करना है। तो गाइस, करंटली आपको मार्केट में 3 टाइप की सिम मिलेगा, जैसे कि एयरटेल हो गया और जियो हो गया, उसके बाद आपको मिलेगा VI। आइडिया और वोडाफोन आपको धीरे धीरे नहीं मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक सिम को एक्टिवेशन करके रखा है, तो पहले देखते हैं उसको वेरीफाई कैसे करना है। तो उसके लिए गाइस, आपको पहले इस सिम को इंसर्ट करना है कोई भी एक डिवाइस पर। तो गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो VI सिम, तो गाइस देखते हैं उसको वेरीफाई कैसे करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डायलपैड पे आ गया हूँ, तो डायलपैड पे आने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है 59059, उसके बाद कॉल लगाना है। हाय, वेलकम टू जी। अहमियत जुगाजुग अब्बा पर रखे बोलो एक टिप, हिंदी में जारी रखने के लिए 2 दबाए। प्रिय ग्राहक, प्रशासनिक नियमों के अनुसार आपके नंबर का टेली वेरिफिकेशन यानी टेलीफोन संबंधी पुष्टिकरण करना अनिवार्य है। आपके नंबर को वेरीफाई करने के लिए कृपया नया कनेक्शन लेते समय आपने जो दस्तावेज जमा किए थे वो तैयार रखें। इस ट्रांजैक्शन यानी व्यवहार के लिए कृपया अपना OTP यानी वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। कोड मिला है, उस कोड को यहाँ पर एंटर करना है। गवर्नमेंट ने आपके फोन पर इंटरनेट को एक्टिवेट करने के लिए कस्टमर कंसेंट यानी ग्राहक की सहमति लेना अनिवार्य किया है। इंटरनेट और इंटरनेट द्वारा उपलब्ध सुविधाएं जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि का आनंद लेते रहने के लिए 1 दबाएं। अन्यथा आपके नंबर का टेली वेरिफिकेशन यानी टेलीफोन संबंधी पुष्टिकरण इंटरनेट सुविधा की सहमति सहित सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और ये 15 मिनटों के अंदर एक्टिवेट यानी सक्रिय हो जाएगा। वी में कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना है, मेरा जो टेली वेरिफिकेशन है VI सिम का वो कंप्लीट हो गया है। तो अब देखते हैं जो नेटवर्क स्पीड है, इंटरनेट स्पीड है वो कैसा है। ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको सर्च बार पे सर्च करना है fast.com, FAST fast.com। यहाँ पर देखिए इंटरनेट स्पीड fast.com आ गया है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है, लोडिंग ले रहा है। गाइस, आप इंटरनेट स्पीड और भी कुछ तरीके से आप चेक कर सकती है, जैसे कि आपको बिलिसिटी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप देख सकती है
fast.com एक एप्लीकेशन है, वो भी आप डाउनलोड प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। ब्राउज़र पे चेक करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे वी आई सिम का जो इंटरनेट स्पीड है वो है 1.9 Mbps। तो ये हमारा लोकेशन पर है, और आपका लोकेशन पर कितना Mbps